प्रोसेस बताना पूरा प्रोसेस बता दो क्या बोलिए आदिनाथ भगवान की जय बोलिए समंत भद्राचार्य महाराज की जय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय गणिनी प्रमुख कारिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय बंधुओं आज आप सबके बीच में बड़े उत्साह और क्रेज का दिवस और समय आ चुका है रत्नकरण शावकाचार ग्रंथ और पूज्य गणनी आर्क श्री ज्ञानमती माता जी ने जिस रत्नकरण शावकाचार ग्रंथ से कुछ चुनी हुई गाथाएं निकाल करके श्लोक निकाल करके और उस रत्नकरण शावकाचार ग्रंथ को यहाँ पर स्वाध्याय के लिए प्रेरणा प्रदान की और प्रज्ञाश्रम ने आरिका श्री चंद्रामती माता जी ने इस रत्नकरण शावकाचार के प्रथम अध्याय पर प्रथम अधिकार पर आप सबको अध्ययन कराया है लगभग 25-26 दिनों में ये पूरा अध्ययन आप सबके बीच में हम सबके सामने पूरा हुआ है पारस चैनल के माध्यम से और भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से आज इसकी परीक्षा ली जा रही है रत्नकर्ण शावकाचार के ये पहले अधिकार पर इकतालीस गाथा ना माता जी इकतालीस गाथाएं हैं जिसमें और उनकी आज ये परीक्षा आप सबके सामने है तो ध्यान दें सबसे पहले आपको भगवान ऋषभदेव जूम चैनल जरूर खोलना है जूम चैनल आप ऑन कर लीजिए उसी पर आपको लिंक मिलेगा जो पारस चैनल देख रहे हैं वो पारस चैनल देखें अवश्य लेकिन अपने मोबाइल में जूम को ऑन कीजिए और जूम ऑन करने के लिए आपके पास आईडी बताई जा रही है बड़ी सिंपल सी आईडी एक बार में याद हो जाएगी इक्यासी एक हज़ार आठ एक हज़ार आठ ये तो आईडी है और इसका पासवर्ड भी एक हज़ार आठ है दोबारा बोलते हैं इक्यासी यानी एट वन एक हज़ार आठ एक हज़ार आठ इतना लिखेंगे आप तो जूम आपका आईडी आएगी उसके बाद जूम में आपसे पूछेगा पासवर्ड तो आप एक हजार आठ दोबारा डाल देंगे तो आपका वो जूम ऑन हो जाएगा और आप भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर जुड़ जाएंगे तो जिन लोगों ने इस ऋषभदेव जूम चैनल पर अभी जुड़ चुके हैं तो परीक्षा का वक्त समय कम है आपके पास अभी चार बजे तक ये पारस चैनल पर सीधा प्रसारण है और इसी मध्य आप लोगों को अपना परीक्षा पत्र आ, समापन करना है फिनिश करना है तो आपके बीच में अब लिंक यहाँ से भेजा जा रहा है जूम चैनल पर और जूम चैनल के माध्यम से आप अपनी परीक्षा को प्रारंभ करें पंद्रह क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं और ये आपके बीच में जूम लिंक जूम पर यह लिंक पेपर का भेज दिया गया है और अब आप तुरंत चालू करें और इसमें पंद्रह प्रश्न आपके पास पहुंच रहे हैं और इन प्र, पंद्रह प्रश्नों के कुल सौ अंक है सौ अंकों का यह पेपर है पंद्रह प्रश्न है आपको समय है चार बजे तक का और आप चार बजे तक इसको हल करें और हल करके बड़े सरल से प्रश्न हैं और चूंकि आप लोगों ने स्वाध्याय किया है और स्वाध्याय करने के बाद भी केवल पहले अधिकार पर ही प्रश्न है तो इसलिए ज़्यादा लंबी छोटी बात नहीं है और चार बजे तक आप इस प्रश्न को केवल पंद्रह प्रश्न जल्दी जल्दी हल करेंगे आपको ये सारे वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं जिनको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं और इनमें से एक प्रश्न के चार विकल्प हैं चार ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें आप एक कोई भी चयन करेंगे और आपका उत्तर सही मायने मान्य होगा ध्यान रखेंगे जो आपको स्वाध्याय कराया गया है प्रज्ञाश्रमनी आरिका श्री चंद्रामती माता जी ने रक्त करण श्राव जिस किताब से आपको ये स्वाध्याय किया गया है उसी किताब पर आधारित ये प्रश्न है और उसी किताब पर आधारित होकर आपको उनके उत्तर देना है ये आपको ध्यान रखना है विशेषता तो आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे जो किताब में उत्तर प्राप्त हुए हैं या हो रहे हो सकते हैं उन्हीं उत्तरों का चयन मान्य किया जाएगा सही अंक के लिए सही मार्क्स आपको प्राप्त होने के लिए आप उसमें इफ़ एंड बट नहीं बोल सकते कि ये भी सही है वो भी गलत है ऐसा और वैसा ये चीज़ें इसमें नहीं चलेंगे है ना तो आप लोग ठीक से प्रश्न पढ़ें चार विकल्प को ठीक से पढ़ें चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन करें और आपको आ, जो भी चयन करने के बाद सही लगता है उस पर टिक कर दें तो आपको उसके पहले अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर भरनी है ध्यान देंगे आपको अपना नाम भरना है अपना शहर का नाम भरना है अपना मोबाइल नंबर भरना है और यदि आपका व्हाट्सएप नंबर कोई अलग से है तो वो भरना है अन्यथा सेम मोबाइल नंबर दोबारा लिखना है कोई भी फील्ड खाली नहीं छोड़ना है वरना आपका पेपर सबमिट नहीं हो पाएगा तो इस प्रकार से ये आप आ, अपनी प्रीवियस डेटा फिल करें उसके बाद आपके पास आ, प्रश्न पत्र आप उसका भरना शुभारंभ कर दें और पंद्रह प्रश्नों का उत्तर देके आपको आज जितने आपके सही उत्तर आ रहे हैं कितने नंबर मिल रहे हैं उनका आपको कल यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो आएंगे अच्छे मार्क्स लाएंगे उन लोगों का रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा और आप लोगों के मोबाइल नंबर पर ही ये आपको रिज़ल्ट भी प्राप्त हो जाएगा तो आ, इसमें जो फर्स्ट आ, अच्छे से अच्छे मार्क्स जो लाएंगे उनको ग्यारह सौ रुपये की राशि पुरस्कार में दी जाएगी और जो उससे कम सेकेंड लेवल पर आएंगे उनको सात सौ रुपये की राशि दी जाएगी और थर्ड नंबर पे पाँच सौ रुपये की राशि ये तीन पुरस्कार हमने घोषित किए हैं और यदि एक ही अंक के कई लोग होंगे तो ध्यान रखें उसी में से फिर लकी ड्रॉ निकाल करके आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिया जाएगा तो इस प्रकार से आज रत्नकरण शावकाचार की परीक्षा कई दिनों बाद ये परीक्षा का दौर हम सबके बीच में आया है काफ़ी उत्साह रहता था जब हम उपन्यास की परीक्षा देते थे जैन आगम के ऊपर और मेरी स्मृतियाँ की परीक्षा देते थे आज रत्नकरण शावकाचार का ये प्रश्न पत्र श्री चंद्रामती माता जी पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से उनके हम सबको अध्ययन अध्यापन से ये आज मौका प्राप्त हुआ है मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग इसमें जुड़ करके इस पेपर का आनंद ले रहे होंगे और सब लोग अच्छे से अच्छे नंबर लाने की प्रयास करेंगे तो आप अपने आ, ध्यान से प्रश्नों को पढ़ें ध्यान से विकल्पों को पढ़ें और अपने प्रश्नों के उत्तर चार बजे तक सबमिट कर दें आपके सबमिट करने के बाद हमें ये प्रश्न पत्र उत्तर सहित हमें प्राप्त हो जाएगा आपका और आपके नाम मोबाइल नंबर सिटी भी हमें मिल जाएंगे उसी पर कल आपको इसके रिजल्ट भी भेज दिए जाएंगे तो आइए अब आगे पारस चैनल के दर्शक जो जूम से मंजू आगे सर जो जूम से जुड़ने में बिल्कुल असमर्थ हैं उन लोगों को ध्यान रख रखना है व्हाट्सएप नंबर एट वन सेवन वन थ्री फाइव वन थ्री नाइन टू इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ करके के और आप पेपर मंगा सकते हैं तो पेपर का लिंक तुरंत भेजा जाएगा उसमें आप भर दीजिएगा और इस नंबर पर आपको ये सुविधा प्राप्त हो रही है जूम चैनल पर 300 से ऊपर लोग हो चुके हैं परीक्षा देने वाले जो जुड़े हुए हैं और सबके पास लिंक पहुंच गया है लिंक को खोल करके उसमें उत्तर भर करके सबमिट कीजिएगा और जो लोग जूम चैनल से जुड़ने में बिल्कुल असमर्थ हैं और पारस चैनल पर उपस्थित हैं परीक्षा देना चाहते हैं तो उनके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है एट वन सेवन वन थ्री फाइव वन थ्री नाइन टू इस मोबाइल के व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर आप पेपर की डिमांड करिए तुरंत आपके पास लिंक पहुँचेगा और उस लिंक से नंबर फिर से बोलती हूँ एट वन सेवन वन थ्री फाइव वन थ्री नाइन टू इस नंबर से को हमारे सभी श्रावक जन दे रहे हैं 300 से ऊपर भक्तजन जूम चैनल पर जुड़ चुके हैं और सभी लोग परीक्षा में तल्लीन हैं और इसके बाद अब यदि कोई जुड़ना चाहता है और पारस पार्चरण सुन रहा है तो आप जूम चालू कर लें तुरंत एक सेकंड में न लगाएं और जूम की आईडी बहुत ही सिंपल है एट वन वन थाउजेंड एट वन थाउजेंड एट यानी कि इक्यासी एक हज़ार आठ एक हज़ार आठ ये आई है और उसका पासवर्ड भी एक हज़ार आठ है जिसके पास जूम नहीं है वो मोबाइल में जूम ऐप डाउनलोड करें जूम ऐप डाउनलोड करते से ही जूम पर टच करें टच करते से वो आपसे आईडी पूछेंगे तो आईडी आप इक्यासी एक हज़ार आठ एक हज़ार आठ लिख दीजिए और उसके बाद वो आपसे पासवर्ड पूछेंगे तो फिर पासवर्ड एक हज़ार आठ लिख दीजिए तो ये जूम आपका ऑन हो जाएगा और आप सीधे सीधे जूम के माध्यम से हम लोगों से जुड़ जाएंगे और जूम पर आपको लगातार लिंक भेजा जा रहा है जो भी नए लोग जुड़ते जा रहे हैं लिंक उनको मिलता जा रहा है और लिंक पर टच करते से ही आपके सामने पेपर खुल जाएगा ये गूगल फॉर्म का लिंक है और इस लिंक को आप टच करें अपनी प्राइमरी इन्फॉर्मेशंस डालें प्राइमरी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में आपके पास ये पेपर ऑन हो जाएगा तो आप पंद्रह प्रश्न आपको उसमें मिलेंगे अलग अलग नंबर के प्रश्न हैं और आप नंबर भी देखते रहिए जो प्रश्न ज़्यादा नंबर का है उस पर बड़ी एहतियात बरतीएगा वरना आपका लॉस लंबा होगा जो छोटे प्रश्न हैं उनको भी ध्यान से लेकिन जो बड़े अंक के प्रश्न हैं उन पर आप विशेष ध्यान रखें वरना आपका एक प्रश्न में ज़्यादा अंक कट हो जाएगा तो इस प्रकार से सभी लोग अपनी परीक्षा में कंसंट्रेशन के साथ प्रश्न को अवश्य बिल्कुल ठीक से पढ़ना ये हमारी बचपन की आ, सीख है टीचर्स भी हमेशा स्कूल क्लास में एक ही बात बोलते थे कि प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से पढ़ो इतमान से पढ़ो प्रश्न समझो उसके बाद और उत्तर उसमें से जब देखे जाए तो उत्तर भी विशेषता ध्यान से देखे जाए जो लोग पारस चैनल पर हैं और जूम पर नहीं जुड़ पा रहे हैं वो एक व्हाट्सएप कर दें और हमारा नंबर है आपको दिया जा रहा है बार बार एट वन सेवन वन थ्री फाइव वन थ्री नाइन टू इस नंबर को आप सेव करें और नंबर सेव करते ही तुरंत हमें व्हाट्सएप करें कि कृपया कर मुझे लिंक भेजें आपको लिंक व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा आपके पास जूम नहीं है आप जूम नहीं ऑन कर पा रहे हैं या अपलोड नहीं हो रहा है डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप तुरंत ये नंबर पर व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप पे आपको लिंक मिल जाएगा आप उस पर टच करें और सारी की सारी ऐसी कैसी प्रक्रिया आपकी चालू हो जाएगी तो आप ध्यान दें एट वन सेवन वन थ्री फाइव वन थ्री नाइन टू ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है आप इस पर लिंक प्राप्त करने के लिए अपनी रिक्वेस्ट व्हाट्सएप में सेव करके तुरंत भेजें और आपको लिंक मिलेगा अब समय आपके पास कम होता जा रहा है निश्चित रूप से आज ये नए लोग भी बीच बीच में जुड़ रहे हैं और लोगों की डिमांड भी आ रही है कि आपने समय बड़ा कम रखा है और आ, हम लोगों के प्रश्न पत्र भी चालू ही नहीं हुए हैं तो यदि ऐसा कुछ है जो लोग नए जुड़ रहे हैं पार्स चैनल के माध्यम से सुन करके अब जूम ऑन कर रहे हैं या व्हाट्सएप भेज रहे हैं और उनको लिंक अब मिल रहा है तो आपके लिए सुविधा हम अवश्य प्रदान करेंगे आपका पेपर अच्छे से अच्छा जाए आपके लिए समय हम कुछ अतिरिक्त उपलब्ध करा देंगे चार बजे तक का हमने समय बोला है लेकिन आप इसकी पूरी अच्छे से अच्छे प्रयास करके चार बजे तक सबमिट करें लेकिन कुछ देर के लिए हम अतिरिक्त समय देंगे जो लोग अभी सुन रहे हैं और अभी जुड़ रहे हैं तो उन लोगों के सामने ये समय की समस्या आएगी क्योंकि बड़ा कम समय आपको मिला है पंद्रह क्वेश्चन के लिए तो सभी लोग ध्यान दें इस रत्नकरण शावकाचार कि इस परीक्षा पर आज हम सबके सामने आ, अपनी कसौटी पर कसने का अवसर आया है अपने ज्ञान को कि हमने कितना सीखा है पिछले दिनों में और कितने अच्छे से हमारी आ, बुझ माता जी ने आप सबको हम सबको पढ़ाया है तो आज उसका परीक्षण करने का समय आया है तो हम परीक्षण करें और परीक्षण करके हमारे सामने जो किताब भी है और हम लोग ये ओपन बुक एग्ज़ाम रखते हैं बड़े फ्री माइंडेड ओपन बुक एग्ज़ाम रखने की पॉलिसी इसीलिए है ज्ञान को प्राप्त करना पहला उद्देश्य है और उसके बाद में जब आप ज्ञान प्राप्त करेंगे पढ़ाई करके रखेंगे तभी उत्तरों को ढूंढ पाएंगे डायरेक्ट कोई कॉपी नहीं कर सकता तो नया आदमी बैठेगा और प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं ढूंढ सकता इसलिए ये ओपन बुक एग्ज़ाम रखी जाती है कि आप लोग ने स्वाध्याय किया होगा तभी आपको प्रश्न के उत्तर ढूंढने में आ सकते हैं इसीलिए कुछ प्रश्न ट्रिक्की भी बनाए जाते हैं जिसमें आपको आपके लॉजिक को लगाना होता है उसके बाद ही आपको अच्छे अंक मिल पाते हैं तो करते रहें प्रयास अच्छे से और रत्नकरण शावकाचार की ये आज जो प्रथम अधिकार की परीक्षा हो रही है इसके बाद कल से नया अधिकार प्रारंभ हो जाएगा तो जो बंधु ऐसे होंगे जिन्होंने रत्नकरण शावकाचार का प्रथम अधिकार शायद पढ़ा भी हो ना भी पढ़ा हो इस पार चरण के माध्यम से तो अफसोस ना करें अब कल से नए अधिकार में अवश्य जुड़ें अधिकार नंबर दो अब हम सबके बीच में पूज्य माताजी कल उसका अध्यापन प्रारंभ कराएंगी आप उसको पढ़ें एक छूटा दूसरा सही दूसरा छूटा तीसरा सही जो जहाँ से हमको जो जब जाग जाए तब हमको सवेरा मानना है तो कल इसके दूसरे अध्याय का प्रारंभ किया जाएगा पूज्य माता जी हम सबको उसका स्वाध्याय कराएंगी तो आप अच्छे से तल्लीनता के साथ कॉपी और पेन के साथ किताब के साथ अपनी पढ़ाई करते रहें और कुछ नोट भी करते रहें कि किस प्रकार से माता जी पढ़ा रही हैं और उसी के अनुसार आपको प्रश्न प्राप्त होंगे आगे हर बार अधिकार के बाद एक एग्ज़ाम एक होगी तो आप लोग इस एग्ज़ाम को लेकर अपनी तैयारियाँ करते रहें खुश बने रहें उत्साहित रहें कि मुझे परीक्षा आने वाली है और उसकी तैयारी भी बड़े उत्साह के साथ करें और परीक्षा को परीक्षा की तरह डर के डर के दें और दिन भर आ, आप लोग स्वाध्याय करते हैं दूसरे दिन का इंतज़ार करते हैं कि परीक्षा आने आने वाली है तो ऐसे ही आपका ये स्वाध्याय दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे हम सबका आ, यही भावनाओं के साथ ये स्वाध्याय की कक्षाएं और इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं संस्थाओं के द्वारा संघों के द्वारा साधुओं के द्वारा और हम लोगों ने भी आ, इसी क्रम में आज आपके सामने ये रत्नकरण शावकाचार प्रथम अधिकार पर ये परीक्षा हम सबको प्राप्त हो रही है जिस प्रश्न में कश कन्फ्यूज़न आए तो आप उसको अवश्य बहुत बारीकी से देखें क्योंकि कोई कन्फ्यूज़न किसी प्रश्न में नहीं हो सकता आपको सटीक उत्तर ढूंढना है कोई प्रश्न ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि प्रश्न के सभी उत्तर सही दिख रहे हैं लेकिन ये आपका आईक्यू लेवल है कि आप जो भी सबसे अधिक समकक्ष उत्तर है उसका चयन करेंगे तो इस प्रकार से ये परीक्षा हम सबके लिए बड़ी सफलता प्रदान करें और पूज्य गणित ज्ञानमती माता जी भी विराजमान हैं पूज्य आरिका श्री चंद्रामती माता जी भी विराजमान हैं हम सबके बीच में आज सबके आशीर्वाद से ये परीक्षा देने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है और हम इस परीक्षा का आनंद ले रहे हैं जूम के माध्यम से भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से तो कुछ बोल दो क्या आप लोग परीक्षा दे रहे हैं अच्छा लग रहा होगा और अपना बचपन भी याद आ रहा होगा कि हम ऐसे ही हाफ ईयरली और फाइनल एग्ज़ाम दिया करते थे तो ये एग्ज़ाम ऐसी चीज़ है जिसके अंदर लोगों को अपने ज्ञान का परीक्षण हो जाता है हमने कितना पढ़ा कितना सीखा और कितना याद किया तो जो याद करी हुई विद्या होती है वो बहुत जल्दी सामने आती है हो सकता है आप लोग किताब खोल करके भी देख करके उत्तर लिख रहे हों लेकिन जिसने पढ़ा है किताब वही देख करके लिख सकता है इस रत्नकरण शावकाचार में सात अध्याय हैं और पहले अध्याय में इकतालीस श्लोक हैं उन इकतालीस श्लोकों को मैंने परसों के दिन पढ़ा करके परिपूर्ण किया है और आज उसी की परीक्षा चल रही है अब आपको अपने ज्ञान का स्वयं परीक्षण कर लेना है बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जूम चैनल में तो लगभग 200 लोग जुड़ते थे लेकिन आज परीक्षा देने में 300 से अधिक लोग जुड़े हैं और पारस चैनल के माध्यम से कुछ लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी पेपर मंगा रहे हैं दे रहे हैं परीक्षा इससे ये लगता है कि आप सबकी अध्ययन में रुचि है और इस अध्ययन की रुचि को देखते ही देखते हुए ही पूज्य गण ज्ञानमती माता की प्रेरणा से हमने रत्नकरण शावकाचार का ये अध्ययन प्रारंभ किया था इसकी विशेषता ये है कि बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को तो पढ़ लेते हैं लेकिन हम अपनी ही चर्या को अपने ही मूल गुणों को अपनी ही क्रिया को नहीं जान पाते इसके लिए रत्नकरण शावकाचार केवल एक अध्ययन ही नहीं है इसको क्रियात्मक रूप से आप सबको पालन करने की एक प्रक्रिया दी गई है और रत्नों के पिटारे के समान यह रत्नकरण शवकाचार्य आचार्य श्री समन्त भद्रस्वामी की अमूल्य कृति है शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पूज्यकर्णी ज्ञानमती माता जी संघ के साथ विराजमान हैं ज्ञान की आराधना सुबह से शाम तक बराबर चलती है और स्वस्ती श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी निरंतर यहाँ के निर्माण कार्यों को अंजाम दे रहे हैं और भरत भगवान का मंदिर काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंच गया है भगवान ऋषभदेव के 101 मोक्षगामी पुत्रों के 101 भगवान का मंदिर भी ऊंचाई तक पहुंच गया छत पड़ने की तैयारी है तीन लोग की रचना बन रही है और तीस चौबीस के सात सौ बीस भगवंतों का मंदिर भी द्रुत गति से निर्माणाधीन है निर्मित हो रहा है आने वाले सभी यात्रियों को ऐसा लगता है कि अभी दो महीने पहले हम अयोध्या आए थे तो यहाँ की धरती पर कुछ भी नहीं था और आज अयोध्या की धरती पर जिस द्रुत गति से कार्य दिख रहा है इससे लगता है कि साल डेढ़ साल के अंदर ही अयोध्या विश्व के क्षितिज पर पहुंच जाएगा तो महानुभाव आप सबको अयोध्या भी आना है और जब तक पंच कल्याण प्रतिष्ठा में अयोध्या नहीं आते हैं तो पारस चैनल और ईश्वे जूम चैनल के माध्यम से सभी जानकारियों को प्राप्त करते रहें और ज्ञान की भी आराधना निरंतर करते रहिए क्योंकि संघ है तो यहाँ सुबह से शाम तक अध्ययन चलता है हम लोगों का तो काम यही है प्रातःकाल मूलाचार का सुंदर स्वाध्याय चल रहा है पारस चैनल में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी आपको आचार्य कुंद कुंद स्वामी की अमूल्य कृति बारषाणुवे वारषाणुवेखा अर्थात द्वादश अनुप्रेक्षाओं के बारे में बताती हैं उसके बाद हम लोगों का ध्यान का अभ्यास चलता है मूलाचार का स्वाध्याय चलता है पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी एक कम नब्बे साल की उम्र में भी अपनी क्रियाओं में पूर्ण सजग सावधान हैं कभी बीच बीच में स्वास्थ्य में अस्वस्थता भी आती है लेकिन वे अपनी क्रियाओं में पूर्णतः सजग हैं भगवान देव की इकतीस फुट उत्तुंग प्रतिमा विराजमान हैं उनके अभिषेक का चरणाभिषेक का भी कार्यक्रम प्रतिदिन आने वाले यात्रीगण लाभ प्राप्त करते हैं और चौबीसों भगवान के जो भी कल्याणक आते हैं उन कल्याणकों को मनाने का अवसर प्राप्त होता है अयोध्या में भगवान ऋषभदेव के अतिरिक्त पांच तीर्थंकरों के जन्मस्थल की टोंके हैं ऋषभदेव भगवान के जन्मस्थल का प्रतीक मंदिर है अजित नाथ भगवान अभिनंदन नाथ भगवान सुमति नाथ भगवान अनंत नाथ भगवान और भरत बाहुबुली भगवान ये इन छः टोंक सुंदर मंदिर के रूप में निर्मित हैं वहाँ भी जाकर यात्रीगण दर्शन करते हैं ऐसे दर्शनों को आप भी प्राप्त करते हैं जब आते हैं तो 29 अप्रैल को आप लोगों को अधिक से अधिक अपना कार्यक्रम बना लेना है कि हमें उनतीस अप्रैल तक अयोध्या पहुँचना है क्योंकि तीस अप्रैल से सात सौ बीस भगवंतों के पंचकल्याण प्रारंभ हो जाएंगे के माध्यम से अब ये विदाई का अवसर आ रहा है क्योंकि समय पारस चैनल का कट हो रहा है और आप लोग भगवान ऋषभ देव जूम चैनल पर परीक्षा देते रहें और जिनको अभी भी कोई बात है तो आप जूम चैनल जोड़ लें इक्यासी एक हज़ार आठ एक हज़ार आठ जूम आई है और इसका पासवर्ड भी एक हज़ार आठ है तो भगवान ऋषभ देव जूम चैनल पर ये कार्यक्रम अभी लगातार जारी है परीक्षा जारी है आपकी कोई भी क्वेरी हो लिंक की प्रॉब्लम हो आप भगवान ऋषभ दूम चैनल पर अपना मैसेज चैट के माध्यम से डालते रहें आपको उसका उत्तर मिलेगा और इस लिंक पर आप टच कर रहे हैं और आपको ये पेपर मिल रहा है कई लोगों की सूचना आ रही है उन लोगों ने पेपर के एंसर्स सबमिट कर दिए हैं बड़ी खुशी की बात है सबको बधाई है जो पेपर सबमिट करते जा रहे हैं बधाई के पात्र हैं और अब अभी भी कोई बचा हो जो रह गया हो या सोच रहा हो मुझे पेपर देना है तो आप तुरंत जूम ऑन कर लें और जूम के माध्यम से आज इस रत्नकरण शावकाचार की परीक्षा को देकर के अपने ज्ञान का वर्धन करें परीक्षण करें आनंद लें ज्ञान समान न आन जगत में हमेशा ही कहा जाता है कि यहाँ भी जो नियमित स्वाध्याय करते हैं पारस चरण के माध्यम से दर्शक गण है। लेकिन यहां शिश्य शिश्य हैं लेकिन यहाँ भी संघ के शिष्य शिष्याएं हैं ब्रह्मचारी बहनें हैं और भी सभी लोग हैं जो नियमित इस स्वाध्याय को करते हैं तीस चालीस लोगों का एक पूरा संघ यहाँ पर स्वाध्याय के लिए बैठता है और वो पूज माता जी से स्वाध्याय सीखते हैं तो ऐसे वो सब भी परीक्षा देकर के आनंद विभोर हो रहे हैं तो इस ज्ञान का कोई आ, मोल नहीं जिसको हमें प्राप्त जो हम प्राप्त होता है और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद